वेलकम बैक टू योर चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 डे का मेरा फोरेक्स का PNL दिखाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल लाइव होगा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, मैंने कहा था कि मैं आपके साथ PNL शेयर करना चाहता हूँ 7 डे का। देखिए, प्रॉफिट लॉस चलता है, लेकिन इस 7 डे के PNL के अंदर मैंने जितना प्रॉफिट किया है, मैं आपको उसके अंदर चीज़ें गलती करते हो ट्रेडिंग करते टाइम, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मेजर आप लोग मतलब कि इजीली गलती कर देते हो, वो आपको नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद ये रहेगा कि आप किस तरह से मतलब कि ट्रेडिंग को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो। ये हमारा एक्सनेक्स वेबसाइट है, डेस्कटॉप के अंदर मैंने ओपन कर रखा है, और अगर आप जब भी डेस्कटॉप के अंदर ओपन करोगे तो ये वेबसाइट आप मिला लेना, रियल या फेक है ये आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने आपको वेबसाइट बताई है। और डेस्कटॉप में ये सब आती है, और ये मेरा रहा मयंक खींची 777, जो हमारा जीमेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ट्रस्ट रहे कि हाँ ये रियल है, ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे फेक नहीं होती, आप लोगों को पता है। और आप यूजर आईडी देखना MK स्केल्पर के बाद 498, और नीचे वाली मेरी जो आईडी आपको दिख रही होगी 054 वाली, वही मैं आपको सभी रील्स और वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। पुरानी भी मैंने PNL की वीडियो डाल रखी है। समरी के अंदर मैं आता हूँ तो 30 डे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो $13,469 मैंने प्रॉफिट किया है। ये INR में कितना होता है आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हो, और मेरा टोटल वॉल्यूम रहा है ये आपके सामने है, मतलब इकाई दाई सैकड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये 97,000 जो भी है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मेरा यहाँ पे लॉस हुआ था $18,000 का, फिर $4,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और ये $18,000 का लॉस क्यों हुआ था ना, क्योंकि मेरी गलती थी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये आपको सब कुछ आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो, मेरा यहाँ पे 2,000 का लॉस हुआ था, फिर मैंने रिकवर किया, फिर 4,000 का लॉस हुआ था, 11,000 का सबसे बड़ा लॉस हुआ था, फिर धीरे धीरे करके मैंने यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉफिट भी किया, जैसे कि $7,500 का। तो यहाँ पे हमारा अभी कुछ ट्रेड होल्ड है, जो कि आपको $10,000 लाइव दिख रहा है, वो हमारा ट्रेड होल्ड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आने वाली अगली वीडियो में। और ये जो बड़ा लॉस हुआ था $17,000 का, ये मैंने किसी एक मिस्टेक से कर दिया था, जो कि मैं आपको आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। पहले आप PNL देख लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि ताकि मैं बीच PNL के बीच के अंदर मैं कोई बासी बात नहीं लाना चाहता हूँ, और मुझे इतना पता तो नहीं है इस इन ब्रोकर के अंदर कि इसका मतलब क्या है, ये हमारा ट्रेडिंग, ये हमारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। टोटल पे हमारा $18,000 तो हमारे 2 ट्रेड में ही बना था, ठीक है, ये 7 जून का ट्रेड है, लेकिन थोड़ा लॉस भी होता है, यू नो। तो एट द रेट हमें 30 दिन के अंदर टोटल प्रॉफिट और लॉस मिला के हमें कुछ $14,000-$15,000 का प्रॉफिट हुआ है। और एक्सनेस बेनिफिट ये मुझे पता नहीं है भाई क्या चीज़ है ये, लेकिन 7 डे का 30 डे का मैं आपको PNL यहाँ पे बता चुका हूँ, ये हमारा अकाउंट है, विड्रॉल भी मैं कर चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे आप सभी लोग जाके देख सकते हो, मैं सब कुछ वहाँ पे अपडेट देता हूँ। तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिनको आपको ध्यान से सुनना है। $16,000-$17,000 का मुझे लॉस कैसे हुआ था, वो बात का मुझे अभी भी गिल्ट है। मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ मतलब कि रेंडमली ट्रेड प्लेस कर ली थी। देखिए, मैं काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि देखो आप मेरी ऑडियंस हो, ठीक है। मैं जो गलती करता हूँ ना, देखो इंसान है, हर सभी से गलती होती है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझसे जो गलती हुई मैं आपको बताऊँ, और आप वो गलती ना दोहराओ, ठीक है, इसलिए मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। अगर मैं इसको छुपा लूँगा, $16,000 का मुझे लॉस हो गया, तो क्योंकि मैंने ट्रेड गलत प्लेस कर दी थी, नहीं, ट्रेड सही प्लेस थी, लेकिन मैंने रेंडमली क्या किया था उस दिन, BTC के अंदर मैंने ट्रेड लिया था, और इथेरियम के अंदर मैंने ट्रेड लिया था, मैंने ओवर ट्रेड कर दिया था। मुझे $30,000 का अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा $18,000 का प्रॉफिट हुआ था, दो मतलब कि समथिंग आप लोग ये मान लीजिए ना, मतलब कि दो ट्रेड में ही मुझे $16,000 का प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन मैंने वो लॉस किया, क्योंकि मैंने रेंडमली ट्रेड प्लेस कर दी थी। देखिए, PNL में काफी इससे बड़े बड़े प्रॉफिट 30 दिन के अंदर बना चुका हूँ। इस ये वाली वीडियो में क्यों ला रहा हूँ, ये PNL में आपको 30 दिन का क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेजर वो गलती की है जो कि आप लोग करते हो, ठीक है। तो आपको किस तरह से मतलब कि उस गलती को नहीं दोहराना है, और आप वो चीज़ को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि वो भी मैंने चीज़ें की है जो कि आप लोग करते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो लाना सही समझी। अभी देखिए, $16,000 का जो लॉस हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड डाल दी थी। मार्केट था 67,000 पर, और मैंने वहाँ पे 2 लॉट डाल दिए, ठीक है, और वहाँ पे मुझे $2,000 का प्रॉफिट भी हो रहा था, मतलब 1,000 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ पंप किया था, मैं नहीं निकला, फिर मार्केट डाउन की तरफ आया 2-3,000 पॉइंट, और वहाँ पे फिर मैंने ओवर एवरेज कर दिया, फिर सपोर्ट की मैंने ओवर एवरेज कर दिया, फिर मैंने ओवर एवरेज कर दिया। तो ये इस गलती की वजह से मेरे को $16,000 का लॉस हुआ था। उस लॉस को कट करने के बाद भी मैंने उस लॉस को धीरे धीरे रिकवरी करी, आप लोग पीछे जाके PNL देखना, धीरे धीरे मैंने उस लॉस को रिकवर किया, और कितनी अच्छी तरीके से उस लॉस को पूरी तरीके से रिकवरी तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, मैंने जो लॉस किया था उसका मैं आसपास तो आ चुका हूँ, ठीक है। अब इस बात से आपको क्या सीखने को मिला कि आपको जब भी आप एक प्रॉफिट बनाते हो, मुझे $30,000 का प्रॉफिट हो चुका था 3-4 दिन पहले, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा लॉस कर दिया, मेरा 50% प्रॉफिट वहाँ पे चला गया, और उस
अमाउंट को रिकवर करने के लिए मेरे पूरा 20 से 22 दिन चले गए, ठीक है। यही एक मेजर गलती है कि आप लोग एक बड़ा प्रॉफिट करते हो, फिर उस प्रॉफिट को गवा देते हो, फिर उसको आप उसको रिकवर करने के लिए जाते हो ना, तभी आपका कैपिटल वाइपआउट होता है। आप लोग इस बात को एग्री कर रहे होंगे, तो अभी आप इस चीज़ का सोल्यूशन मैं कैसे देता हूँ ना आपको सुनिएगा। जब भी आपका एक बड़ा प्रॉफिट होता है, या तो 50% आप विड्रॉल कर लो, या तो आप जो भी ट्रेड लेते हो, जो आपने जो प्रॉफिट किया है जिन लॉट्स में, वो लॉट साइज आप कम कर दो, ठीक है। पहले जो आप लॉट साइज में आपने जिस लेवल से प्रॉफिट बनाया है, ये जो लॉट साइज लेके, तो आप वो प्रॉफिट कम कर दो। सपोज दैट अगर आपने एक लॉट पे काम कर रहे थे, तो आपको 0.5 लॉट पे काम करना है और सेम डिसिप्लिन रखना है एसएलओ टारगेट का, ठीक है। यही हम लोग गलती करते हैं, बड़ा प्रॉफिट होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। या तो बड़ा प्रॉफिट होता है तो हम लोग बड़े और बड़ा उसको करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग हैवी लॉट्स लेने ले लेते हैं, जिससे कि हमारा अकाउंट मैनेज नहीं हो पाता है, इसकी वजह से हमें लॉस होता है। टू मेजर हमारी गलतियाँ यही है जो कि मैं आपके सामने बताना चाहता था। अब मैं आपको तीसरी पॉइंट यह बता देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो ही पूरी साइकोलॉजी पे है, ठीक है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है। तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आप लोग 4,807 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे डेली ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जैसे कि मैंने ये लेवल्स भी डाले थे BTC के, ठीक है। और अभी मैंने आपको BTC उस टाइम बाय करने को भी बोला था, तो 2-3 हज़ार पॉइंट अभी प्रॉफिट चल रहा है BTC में। और यहाँ पे मैंने गोल्ड के भी कुछ लेवल्स डाले थे जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लेवल्स थे, और मैंने यहाँ पे ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर की थी, जहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था। मैंने आपको कहा था कि 0.2 में आप लोग ये लोट ले सकते हो, तो फिर हमें ये $43 प्रॉफिट हो रहा था। पहले हमारा कितना था, 0.2 में हम लोगों ने 23:30 पे हम लोगों ने बाय किया था 1.40 लॉट, मतलब 1.02 हमने लॉट यहाँ पे बाय किए थे, और यहाँ पे हमारा कुछ $1.5 प्रॉफिट चल रहा था। फिर आप लोग देख सकते हो $43 प्रॉफिट विद इन कितने मिनट में मैंने ये ट्रेड आपको डाली थी, 2:37 पे, और हमें प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया था 2:38 पे, मतलब कि 10 मिनट के अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया था। $1,000 टू $30,000 की मैं सीरीज चला रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, तो ये उस वो वाली ट्रेड थी, ठीक है। तो आप लोग भी ट्रेड को ज्वाइन कर लेना, फिर अच्छा खासा हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, काफ़ी मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। तो बस मुझे यही बताना था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी हमारा पेड कोर्स नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं आपको क्या साइकोलॉजी बता रहा था। देखिए, मैंने आपको यही आपने एक साइकोलॉजी समझ ली कि आपको जब एक बड़ा प्रॉफिट होता है, तो आपको आपके कैपिटल को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। अभी देखिए, मान लीजिए आपने डिपॉजिट किया, मैं आपको बिल्कुल बिगिनर की तरह समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो। देखो, अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो ना, अगर आपको डायरेक्ट हथियार पकड़ा दिया जाएगा और आपकी ट्रेनिंग होगी तलवार से, तो आप युद्ध नहीं लड़ सकते। आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। आपको आप जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे कि मुझे युद्ध लड़ना है, ठीक है, और मैं इसके लिए ही बना हूँ, या मेरा ये लक्ष्य है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तब आप उसके लिए वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप फिजिकली मेंटली स्ट्रोंग हो, ठीक है। अगर आपको मैं डाल दूं कि भाई आपको युद्ध लड़ना है, आपका कोई विजन ही नहीं है, फिर भी अगर आपको लड़ने के लिए मतलब अंदर झोंक दूंगा, आपका कोई मतलब नहीं है वो, फिर आप मेंटली स्ट्रोंग ना होने की वजह से आप वहाँ पे कहीं ना कहीं वो गलती कर दोगे, जिससे कि आपको नुकसान होगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में आपका टारगेट बना लो, ठीक है। सपोज डेट मैंने यहाँ पे $1,000 डिपॉजिट किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, $1,000 डिपॉजिट किया। अभी आपको इसको किस तरह से मैनेज करना है, मैं भी अभी सीरीज में आपको यही सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको कैसे सिखा रहा हूँ कि मैं ओनली 5% का टारगेट रख रहा हूँ, मतलब कि मुझे $50 प्रॉफिट चाहिए, और अगर मैं लॉस करूँगा तो मुझे 3% लॉस, मतलब कि यहाँ पे मुझे कितने डॉलर का लॉस हो रहा है, $30 का, ठीक है। अगर चलिए मान लीजिए हमारे 2 दिन SL हिट होते हैं, तो मतलब हमारा $60 गया, तीसरे दिन अगर हम लोग प्रॉफिट कर लेते हैं तो हमारा कितना डॉलर आ गया, $50 आ गया। अगले दिन फिर दूसरे दिन हम फिर से प्रॉफिट कर लेते तो हमारा कितना आ गया, $100। हम लोगों ने 4 दिन के अंदर मतलब कि $60 लॉस किया, एक दिन के अंदर हमने $50 प्रॉफिट किया, फिर चौथे दिन हम लोगों ने मतलब कि $100 प्रॉफिट किया, मतलब एट द रेट हमें कितना प्रॉफिट हो गया, लॉस हमें हुआ $60 का, प्रॉफिट हमें हुआ $100 का। मतलब कि आपका जब आप लॉस छोटा रखोगे ना दिन के टारगेट का, तो आप उसको कभी ना कभी रिकवर कर सकते हो। अगर आपका लॉस का टारगेट यहाँ पे होता, मान लो सपोज डेट आपका यहाँ पे होता $50, ठीक है, चलो 1:1 ही हम देख लेते हैं, $50 अगर आपका लॉस का टारगेट होता, अगर आप यहाँ पे $100 लॉस करते गाइस, अगर आपका टोटल मतलब कि $100 दो दिन का लॉस होता, अगर आप यहाँ पे 2 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट करते, तो आपका $100 प्रॉफिट ही होता। मतलब कि आप इक्वल आ गए, जहाँ पे आप थे ना वहीं आ गए। मैं आपको कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लॉस का टारगेट कम रखना है। लॉस का टारगेट कम क्यों रखना है, यही साइकोलॉजी है, यही मैनेजमेंट
मनी मैनेजमेंट है जो कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आपके लिए डिफिकल्ट होगा इसको फॉलो करना, लेकिन अगर आप जब इसको फॉलो करने के लिए आओगे, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको धीरे 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 इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, तब आपकी ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल पूरी चेंज होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट किया, ठीक है, चलिए मेरे को आपको एग्जांपल दे रहा था, तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे $50 का लॉस किया, $100 हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया, तो $60 हमारा अगर लॉस हुआ है तो चौथे दिन हम लोग $40 प्रॉफिट में आ जाएंगे। बात को समझ रहे हो ना आप लोग? तो फिर से हम यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, फिर अगर हमें लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ओनली $20 लॉस में आएंगे हमारे कैपिटल के अंदर से। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम लोग कितने डॉलर प्रॉफिट में आ जाएंगे? $90 प्रॉफिट में आ जाएंगे। फाइव डी हम लोग $90 प्रॉफिट में आ जाएंगे। जस्ट एक एग्जांपल, छोटा सा मैं आपको क्लिप बता रहा हूँ कि हाँ ये एक मनी मैनेजमेंट है। अब मुझे बताएं आपके साथ क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ ना। देखो वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली, लेकिन मैं आपके साथ मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, और मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आप मुझे रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो मेन मकसद वो है कि वीडियो बड़ी होगी, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसे सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ ज्ञान लेके जाओगे, और वो आपको ही काम आएगा। इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये आपने रूल देख लिया, मेरे साथ क्या होता था, मैंने रूल देख लिया, ठीक है। तो मेरे साथ ये होता था कि मैं सोचता था कि चलो उसको फॉलो करूँगा, मैं कहीं लिख भी लेता था। बहुत लोग बोलते हैं कि जो आपको फॉलो करना है उसको आप लिख भी लो। चलो भाई सब लिख भी दिया उसको अपन ने, मतलब कि अपन उसको कल दे मतलब कि मार्केट में फॉलो करने उठ रहे, मतलब उतरे। अब हम क्या गलती करेंगे वहाँ पे, देखिए हमारा स्टॉप लॉस हमारे पास आ चुका है, लेकिन हम लोग क्या गलती करेंगे, हम जैसे कि हमने यहाँ पे बाई किया, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, हमने यहाँ पे $50 का बाय मतलब कि सॉरी हम मैंने यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशन बनाई, ठीक है, गोल्ड के अंदर बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 0.5 की मैंने यहाँ पे लोट लिया, और मुझे यहाँ पे सेलिंग की अपना स्टॉप लॉस ये रहा, ठीक है, जो कि अपना स्टॉप लॉस है $30 का अपना दिन का ले से ले, तो मैं 15 मतलब दो अगर हम दो ट्रेड करेंगे, ठीक है, दो ट्रेड अगर हम लोग करेंगे तो हमारी एक ट्रेड के अंदर 15 का एसएल होगा। अगर मार्केट यहाँ पे आता है ना 15 एसएल दिखाएगा, हम फिर भी ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे। रिलेट करना इस बात को, आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। और मेजर एक गलती क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग एसएल हैंड टू हैंड ट्रेड लेने के बाद नहीं लगाते हैं। फॉरेक्स में क्या होता है, हम लोग मतलब कि अगर हमने ट्रेड लिया यहाँ पे टेप करके MT5 में, हम लोग एसएल लगा सकते हैं, एक्सचेंज के अंदर भी हम लोग एसएल लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एसएल नहीं लगाते। बात को ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि $50 लॉस हो गया, चलो यार यहाँ से ऊपर जाएगा सपोर्ट है, लेकिन फिर वो $20 चलो $50 पे आएगा तो हम लोग एसएल कट कर देंगे। फिर मार्केट आपको मौका नहीं देता, फिर आपका पूरा मनी मैनेजमेंट यहाँ पे धज्जिया उड़ जाती है। जो आप सोच के बैठे थे मार्केट के अंदर ये चीज़ मैं करूँगा, तो आपके साथ नहीं हो पाती है। वो क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि आप एसएल हैंड टू हैंड नहीं लेते हो। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, जैसे आपने ट्रेड ली, कितने $15 का एसएल लगा के टारगेट लगा के छोड़ दो। फॉरेक्स में यही होता है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। आप लोग फॉरेक्स को ट्रेड लेके बैठे मत रहो, आपने एनालिसिस कर लिया चार्ट का, ट्रेड ले लिया, एसएल ले लो, टारगेट लगा के मस्त हो जाओ ना यार, मार्केट अपना काम करेगा, ठीक है। तो बस ये एक मेजर गलती होती जो हम लोग करते हैं, वो मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे दो लोट लूँगा, तो मैंने अच्छी खासी मुझे होल्डिंग करनी थी, स्विंग ट्रेड कर रहा था मैं फॉरेक्स के अंदर, मतलब कि जो लॉस होता ना $16,000 का, वो मैं बता रहा हूँ, $2 यहाँ पे लिया, मार्केट नीचे आया, मैंने सोचा था कि $2 अगर लॉस होगा $2,000 का तो मैं निकल जाऊंगा। मैंने क्या किया, $1 यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ पे आया $3 मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर $4 मैंने यहाँ पे ले लिया, चार लोट मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये गलती हम लोग करते हैं। तो मैं आपको सब यही चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि आपको ये पॉइंट जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं, सिर्फ बेसिक्स पॉइंट है, और आप इनको एक बार फॉलो करना। आगे वाली वीडियो में हम लोग और साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मुझे भी नहीं पता है कि मैं आगे वाली वीडियो को मतलब किस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हो कि या तो साइकोलॉजी सीरीज़ को हमें आगे बढ़ाना है, या तो इसको यहाँ पे ओवर करना है और हम एक नए सेशन में जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो डालते थे कि हमें डेली जो प्रॉफिट लॉस करता था वो मैं आपको बताता था, तो मैं वो वीडियो भी डाल सकता हूँ, ठीक है। मैंने साइकोलॉजी के अंदर आपके सामने बात की, अभी मनी मैनेजमेंट आपको थोड़ा बहुत बताया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आगे करूं या मैं आप जो बोलोगे मैं उसको आगे करूं। तो आपको कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कंटिन्यू हो चुका हूं मैं यूट्यूब पे, आपको सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच।